ये लेफ्ट साइड में है यामाहा ट्रैफिक। सो हम आ गए हैं परी चौक, लेफ्ट में है यमुना एक्सप्रेसवे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है पुष्कर, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज हम जा रहे हैं परी चौक। सही सुना आपने, यहाँ से काफी दूर पड़ता है, लोगों को लगता है कि पास में ही है लेकिन काफी दूर है यहाँ से। आज सुबह से यहाँ बारिश हो रही थी, अब जबकि थोड़ा सा मौसम खुला है तो सोचा कि थोड़ा बाइक राइड की जाए, तो इसीलिए मैं आज अपनी बाइक पे निकल चुका हूँ थोड़ा लंबा टूर करने के लिए। आज मैं जा रहा हूँ परी चौक, सो देखते हैं वहां तक का रास्ता कैसा है। वैसे तो कई बार जा चुका हूँ मैं, बट गाड़ी से गया हूँ मैं, आज बाइक से जाऊंगा। सो लेट्स सी कैसा फील आता है। अभी जा मैं सूरजपुर वाले रोड से रहा हूँ, वापसी में नोएडा एक्सप्रेसवे से आऊंगा। अभी मौसम बढ़िया हो रहा है, हल्की हल्की धूप और थोड़े बहुत बादल। वेदर रिपोर्ट के हिसाब से आ रहा है कि शायद रात को भी बारिश होगी। मौसम तो अभी रह रहा है कि अभी भी बन रहा है बारिश का, बट अभी बारिश शायद नहीं होगी क्योंकि धूप और बादल दोनों मिक्स हैं। कल भी रात से बारिश हो रही है, रात से बारिश तो नहीं हुई, रात से मौसम बना हुआ था। सुबह जब मैंने उठ के देखा तो बारिश हो रही थी बाहर, तो पता नहीं रात से हो रही है या सुबह सुबह हो रही है बारिश, लेकिन काफी तेज हुई है बारिश आज। इसी वजह से आज मौसम काफी बढ़िया और काफी प्लीजेंट, बस लेकिन थोड़ी सी ह्यूमिडिटी हो गई है। यह है बिसरख चौक, यहां से हम सीधा जाएंगे स्ट्रेट, काफी सारे गोल चक्कर आएंगे यहां से। रास्ता कितना बढ़िया है ना, ये राइट साइड में ये सिटी। आज आई थिंक ट्रैफिक भी थोड़ा सा कम मिलेगा, प्लस ग्रीनरी काफी मिलेगी क्योंकि बारिश में सारे पेड़ धुल गए हैं, साफ हो गए हैं और काफी प्यासे पौधों को पानी मिला है आज। ये रास्ते हैं प्यार के, ये रास्ते हैं प्यार के, इन रास्तों को गाने सुनते जाने का मन करता है या फिर गाना गाते हुए जाओ। अब हम आ चुके हैं सूरजपुर परी चौक यमुना एक्सप्रेसवे के रूट पे। यहाँ से थोड़ा सा डायवर्जन है बिकॉज यहाँ जो रोड है वो थोड़ी सी नैरो होती जा रही है।
ये इंडस्ट्रियल एरिया भी है सूरजपुर का। राइट साइड में काफी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं फूड बेवरेजेस की, और यामाहा भी है यहाँ पे, और भी काफी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे। लेफ्ट साइड में कंट्री काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं। ये पुलिस स्टेशन है, पुलिस चौकी। ये लेफ्ट साइड में है यामाहा का आई थिंक फैक्ट्री है। राइट साइड में है मेरे क्राउन प्लाजा होटल, काफी बड़ा होटल है ये। मैं इसमें जा चुका हूँ एक दो बारी, स्टे किया हमने यहाँ पे। मजा आता है बाइक चलाने में, मौसम बढ़िया हो तो आप कितनी लंबी भी बाइक चला लो, कितना भी लंबा रूट चला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लेफ्ट साइड में मेरे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूरजपुर का। चल रही जितनी गाड़ी है उतना पहिया। ओप्स, डिकैथलॉन। यहाँ पे आसपास इंडस्ट्रियल है बहुत है, इसलिए यहाँ पे ट्रक्स बहुत चलते हैं।
ये एरिया अच्छा है, लेकिन शाम को यहाँ पे जल्दी सन्नाटा हो जाता है, सुनसान हो जाता है। ट्रैफिक सो हम आ गए हैं परी चौक। ये क्या हो रहा है? हाँ तो गए हैं, बट यहाँ का नजारा बड़ा ही अटपटा है। ट्रैफिक कहीं इधर उधर भाग है। ये एक्चुअली हब है, यहाँ से काफी बसेस चलती हैं, सो इस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक रहता है। आज तो कम है, बट सुबह शाम काफी रहता है। सो गाइस, ये लेफ्ट में है यमुना एक्सप्रेसवे, यहाँ से हम आगरा, मथुरा, लखनऊ के लिए निकल जाएंगे, बट हम अभी जा रहे हैं सीधा दिल्ली जाएंगे। सीधा रास्ता ये दिल्ली के लिए जाएगा, और बट हम नोएडा ही जाएंगे। अभी जो मैं चल रहा हूँ ये यमुना एक्सप्रेसवे है, सॉरी नोएडा एक्सप्रेसवे है। यमुना एक्सप्रेसवे तो लेफ्ट में था, वहाँ भी आपको लेकर चलूंगा किसी दिन। फिलहाल अभी हम नोएडा एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं। ये रास्ता काफी बढ़िया है। ये सीधा रोड अक्षरधाम की तरफ जाता है दिल्ली, बट हम उससे पहले ही सेक्टर 37 के लिए एक यू टर्न, फ्लाईओवर कह सकते हैं उसे, वो है, हम वहाँ मुड़ जाएंगे और हम वापस सब कर जाएंगे। और मेरा काम खत्म हो गया है, यहाँ से सीधा जाएंगे, देन राइट हो जाएंगे। रास्ता बहुत बढ़िया है ये, अब तो यहाँ पे मेट्रो भी आ गई है। लेफ्ट साइड में सेक्टर 150 और काफी सारी एमएनसीज भी हैं यहाँ पे। यहाँ में पहले काफी आता था, यहाँ पे मेरे ड्राइंग का प्रोजेक्ट था, तो उसके रिगार्डिंग काफी आया है यहाँ पे। अभी मुझे थोड़ी हैबिट नहीं है मोटर ब्लॉगिंग की, तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है मुझे भी, प्लस आपको भी होगा मेरी बातों से, बट कोई नहीं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो लेट्स सी, आई होप मैं इस चीज में परफेक्ट हो जाऊं। आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिएगा और प्लस मुझे गाइड कीजिएगा कि मैं कैसे क्या कर सकता हूं इसमें।
आई होप मैं तब तक करूँ फ्यूचर में और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस मैं लेके आऊँ आपके लिए। ये तो मेरा एक स्टार्टिंग है अभी, तो आप सब बस थोड़ा सा ट्रेलर देख रहे हैं। मे बी पिक्चर रिलीज हो और ऐसी रिलीज हो कि धूम मचा लो, धूम मचा लो, धूम मचा लो, धूम धूम मचा लो, धूम मचा लो, धूम मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, सिग्नल चलाने में मजा आ रहा है, लग रहा है कि हवा पे उड़ रहा हूं। बादल दिख रहे हैं आपको? मैंने लास्ट वाली वीडियो देखी, उसमें डीजे एक्शन 2 का नाइट मोड काफी अच्छा है। लाइक मैंने मोबाइल से ही शूट किया है बट मोबाइल का इतना क्लियर नहीं आया, बट उसका डीजे का काफी अच्छा है नाइट मोड। और माइक ने भी मुझे खुश कर दिया, ऑटोनिक्स का -7। इस माइक ने भी काफी अच्छी रिकॉर्डिंग करी है। हाँ ज्यादा बेटर तो नहीं कहेंगे बट हाँ प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफी बढ़िया है। देखा भाई ये R15 थी, मैं तो कहती रैश ड्राइविंग नहीं करूंगा, कर सकता हूँ बट नहीं करूंगा, बट R15 ये कर सकती है। आप भगाना चाहो तो आप उसको 150 तक भगा सकते हो, कोई ऐसी बाइक नहीं है जो जितने सीसी की है उतने सीसी तक भाग सके, उतनी स्पीड तक भाग सके। ये राइट साइड में एडविन टावर मेरे, वहां पे काफी सारी एमएनसी कंपनी है। लगा किसी ने रंगों से उठाया, लेफ्ट में कमर्शियल टावर्स है, एमिटी अगर शायद आसपास यही कहीं। मैंने बाइक ली है रेसिंग पर्पस के लिए नहीं, बट फील के लिए ली है, कुछ नॉस्टैल्जिया है, कुछ एक फीलिंग है जो राइड करते हुए आती है बाइक को। आप उड़ना चाहते हैं बट आप उड़ नहीं सकते, सो ये बाइक आपको उस चीज का एहसास कराती है कि आप उड़ सकते हैं भले ही जमीन पर लेकिन हवा। आपके अंदर का बच्चा जगा देती है। काफी नई बिल्डिंग सुन रही है सुपरनोवा के बराबर में।
यूनिक डिजाइन्स हैं यहाँ पे बिल्डिंग्स के। आगे आने वाले टाइम में नोएडा जो है बाहर की कंट्रीज को टक्कर देगा। खैर वो तो अभी इसी तरह शुरू कर दिया उसने। अब यहां से मैं लेफ्ट ले लूंगा सेक्टर 37 बोटैनिकल गार्डन के लिए। यहां से हम अगर राइट जाएंगे चढ़ेंगे तो दादरी के लिए चले जाएंगे। ये भी रास्ता वैसे जाता है घर की तरफ, बट हम सीधा सीधा जाएंगे यहां से। हम नीचे से जाएंगे, नीचे से हमें स्ट्रेट जाना है। अगर हम यहां से लेफ्ट जाएंगे तो सेक्टर 18, सेक्टर 15, 16, सेक्टर 2 ये सब आ जाएगा, बट हम स्ट्रेट जाएंगे। सो अभी मैं जा रहा हूँ बोटैनिकल गार्डन से सिटी सेंटर की तरफ। ये राइट साइड में गोल्फ कोर्स है, सामने है गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन। यहाँ से स्ट्रेट चले आएंगे तो नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेरा घर आ जाएगा। लेफ्ट साइड में है लॉजिक मॉल। हम सिटी सेंटर आ चुके हैं नोएडा सिटी सेंटर। मेट्रो स्टेशन सामने है, लेफ्ट साइड में लॉजिक मॉल है। गर्मी होने लगी है धीरे धीरे। यहाँ पे बस स्टॉप भी है लेफ्ट साइड में। मुझे भी हेलमेट भी लेना है, बट सोच रहा हूँ कौन सा हेलमेट लूँ, नॉर्मल हेलमेट लूँ या ब्लूटूथ वाला हेलमेट लूँ जिसमें स्पीकर और माइक दोनों होते हैं, या फिर नॉर्मल हेलमेट लेके उसमें अलग से ब्लूटूथ लगाया जाए स्पीकर और माइक वाला। क्योंकि अगर मैं इनबिल्ट वाला लूंगा तो इनबिल्ट में मुझे फिर फ्यूचर में हेलमेट ही चेंज करना पड़ेगा या उसे रिपेयर कराना पड़ेगा बैटरी की वजह से। बट अगर मैं अलग से लेता हूँ, अलग से ब्लूटूथ उसमें लगाता हूँ, सो फ्यूचर में अगर हेलमेट में अगर बैटरी खत्म हो जाएगी ब्लूटूथ में तो मुझे सिर्फ ब्लूटूथ चेंज करना पड़ेगा, हेलमेट चेंज ही नहीं करना पड़ेगा।